में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। जयपुर में हुई सुखदेव सिंह की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय छत्री महासभा ने सौंपा ज्ञापन। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में हुई राजपूत कर्णी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में मऊरानीपुर अखिल भारतीय छत्री महासभा के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन उप जिला अधिकारी मऊरानीपुर को सौंपा गया, जिसमें सुखदेव सिंह की हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही ज्ञापन देने में शामिल पदाधिकारियों ने बताया है कि जब तक हत्या आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती है तब तक आंदोलन और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान लगभग 2 दर्जन क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? हमारा नाम लोकेंद्र सिंह झाकरी है। अच्छा, आप लोगों के द्वारा किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो हत्या हुई है राजस्थान में, उसके कर्णी सेना के, उनकी हत्या के संबंध में आज शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया गया है माननीय SDM साहब को। उनके द्वारा माननीय अमित शाह जी को भेजा गया है कि उसमें हमें न्याय मिले क्षत्रिय समाज को। और वो सब समाज के नेता थे, उन्होंने इसके पहले ब्राह्मण समाज और जैन समाज के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसमें पुलिस को ये शक था कि इनकी हत्या हो सकती है, लेकिन प्रशासन ने उनको सुरक्षा नहीं दी, जिन कारणों से उनकी हत्या कर दी गई। आप हत्या की वजह किसको मानते हैं? हत्या की वजह तो हम वहाँ के प्रशासन को मानते हैं, सरकार को मानते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले और क्षत्रिय समाज के साथ न्याय हो। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर मांगे पूरी नहीं? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो सरकार बनने के बाद, चूँकि अभी राजस्थान में सरकार नहीं है, सरकार बनेगी तो हम उनसे कहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, तो अभी कह ही रहे हैं, नहीं होगा तो फिर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आज आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? हमारे राजपूत समाज की कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी की हत्या जो जयपुर में दिन दहाड़े हुई है उनके निवास पर, उससे सारा राजपूत समाज में आक्रोश है। और हम सभी राजपूत समाज के भाइयों ने गृह मंत्री के नाम इसकी वो ज्ञापन दिया है। और हम लोगों का जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक मर्डर करने वालों को फांसी की सजा तक नहीं पहुंचा देते। अच्छा, आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तो आगे क्या करोगे आप लोग? तो हम लोग धरना प्रदर्शन रखेंगे। अभी तो हम लोग शांति प्रिय कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है। जिस दिन सरकार में मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे उस दिन ये धरना प्रदर्शन बहुत व्यापक तरीके से होगा, और जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिर